Hello and welcome to GURUKUL. In today's video, we will study what are the internal and external aids of interpretation of statute with important case laws. So let's start. Aid means any type of help or assistance. For the purpose of construction or interpretation, the court has to take recourse to various internal and external aids. Hamari previous video mein humne padha ki interpretation ke kya kya rules hote hain. Okay. इन रूल्स के अलावा जब कोर्ट को किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन किसी वर्ड का मीनिंग निकालना होता है तो इन रूल्स के अलावा कोर्ट के पास दो और हेल्प अवेलेबल है वो है इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स इन द केस ऑफ केपी वर्गीसे वर्सेस आईटी ऑफिसर एर्नाकुलम द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बीइंग एन एक्सरसाइज इन द एसर्टेनमेंट ऑफ मीनिंग एवरीथिंग व्हिच इज लॉजिकली रेलेवेंट शुड बी एडमिसिबल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन के लिए अगर किसी स्टैट्यूट का करेक्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए तो कोर्ट उन सारे जो लॉजिकल स्टेप्स हैं वो ले सकता है और वो सभी एडमिसिबल हैं कि कोर्ट के हेल्प के लिए इसीलिए दो टाइप के एड्स अवेलेबल हैं इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स इन दिस वीडियो वी विल स्टडी इन डिटेल कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल एड क्या क्या है और वो किस टाइप से कोर्ट को हेल्प करते हैं सबसे पहले है इंटरनल एड्स इंटरनल एड्स क्या है इंटरनल एड मीन्स दोज एड्स which are available in the statute itself. जिस statute, जिस act के interpretation में हमें problem हो रही है, उस statute में internal aids उस statute में ही available होता है. Each and every part of an enactment helps in interpretation. जिस statute का हमें interpretation करना है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम उस statute के ही सारे parts को properly उसको strictly read out करें, उसके सारे meaning को समझें. The internal aid to interpretation may be as follows. अब ये internal aids हैं क्या-क्या जो statute में already available होते हैं. सबसे पहले है title. किसी भी statute का title होता है short title and long title. तो the long title of the statute is an internal part of the statute. ये internal aids क्यों है? क्योंकि ये statute में पहले से available हैं. तो statute का जो long title है, वो statute का एक internal part है. और वो किसी भी वर्ड का स्टैट्यूट के अंदर किसी भी वर्ड किसी भी सेंटेंस का अगर मीनिंग निकालना है इंटरप्रेट करना है तो ये टाइटल का करेक्ट इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एडमिसिबल भी है स्टैट्यूट इज हेडेड बाय अ लॉन्ग टाइटल एंड इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट किसी भी स्टैट्यूट का जो हेडिंग होता है दैट इज अ लॉन्ग टाइटल वो क्या कर रहा है वो स्टैट्यूट का जो डिस्क्रिप्शन है और ऑब्जेक्ट है उसे बता रहा है तो हमने अपने रूल्स में भी पढ़ा था ना इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला मेथड क्या है कि हमें अगर उस वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं इंटेंशन पे जाते हैं कि स्टैट्यूट का इंटेंशन ऑब्जेक्ट क्या है तो सबसे जो इजी मेथड है इंटेंशन निकालने का वो कैसे पता चलेगा उसके टाइटल से ही पता चल जाता है कि उस स्टैट्यूट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है इट बिगिंस विद द वर्ड एक्ट किसी भी स्टैट्यूट में आप देखोगे उसमें ये जरूर लिखा था एन एक्ट टू उसके बाद आगे का एग्जाम्पल जैसे सीआरपीसी में लिखा है एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वो इसका क्या पर्पज है इसका पर्पज है क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी लॉज है उन्हें कॉन्सोलिडेट करना उसे अमेंड करना उसके प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना सो इस लॉन्ग टाइटल से हमें उस स्टैट्यूट का पर्पज ऑब्जेक्ट पता चल जाता है In recent times, long title has been used by the courts to interpret certain provisions of the statute. तो अगर किसी statute के provision को interpret कर रहा है, तो ये long titles जो भी हैं statute के, वो court को काफी help करते हैं. However, it's useful only for the extent of removing the ambiguity and confusion, and is not a conclusive aid to interpret the provisions of the statute. ये just एक conclusive aid नहीं है, but एक assistance का काम जरूर करता है, क्योंकि इससे हमें पूरे एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो पता चल रहा है अगर स्टैट्यूट के अंदर किसी स्पेसिफिक वर्ड या किसी स्पेसिफिक सेक्शन को लेकर के हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ये कंक्लूसिव हेल्प नहीं करता है बट कुछ हद तक ये जो लॉन्ग टाइटल है वो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है और ये एडमिसिबल है इसके कुछ केस लॉज हैं इन री केरला एजुकेशन बिल द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पॉलिसी एंड पर्पस मे बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉन्ग टाइटल एंड द प्रीएम्बल इन री केरला के सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टाइटल से हम उस स्टैट्यूट की पॉलिसी और पर्पस जो है उसे पता कर सकते हैं इन मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट इज रिलाइड एज अ गाइड टू डिसाइड द स्कोप ऑफ द एक्ट मनोहर लाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टाइटल से हमें जो
स्टैट्यूट है जो एक्ट है उसका स्कोप पता करने में हेल्प मिलती है. सो दीज टू केसेस आर रिलेटेड टू इंटरनल एंड लॉन्ग टाइटल. शॉर्ट टाइटल, द शॉर्ट टाइटल ऑफ एन एक्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन. शॉर्ट टाइटल क्या होता है, ये किसी स्टैट्यूट का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है और इसके साथ में ही शॉर्ट टाइटल के साथ में जो उस स्टैट्यूट का उस एक्ट का जो पासिंग ईयर है वो लिखा होता है. एग्जाम्पल द इंडियन पेनल कोड 1860. तो इंडियन पेनल कोड क्या है, ये हो गया शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल के साथ में ईयर ऑफ पासिंग लिखा होता है. एविडेंस एक्ट 1872. तो ये होता है शॉर्ट टाइटल और बेसिकली इसका कुछ खास काम नहीं है इंटरनल एड में. नेक्स्ट इज इंटरनल एड प्रीएम्बल. द मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्ट आर फाउंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द स्टैट्यूट. किसी भी एक्ट का स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव पर्पस है वो ब्रीफ में कहां मेंशन होता है, उस स्टैट्यूट के प्रीएम्बल में. सो प्रीएम्बल इज द एक्ट इन अ नटशेल, है ना. प्रीएम्बल जो है पूरे एक्ट का एक ब्रीफ होता है, उसको नटशेल बोला गया. इट इज अ प्रिपेरेटरी स्टेटमेंट, इट कंटेन्स द रीजन फॉर इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट. ये प्रीपेरेटरी स्टेटमेंट है. ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ सकता है कि इंटरनल एड में प्रीपेरेटरी स्टेटमेंट क्या है, तो प्रीएम्बल है. सो इट कंटेन्स द रीजन फॉर इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट. प्रीएम्बल में वो ही हो गया ना, हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है, पर्पस बता रहा है, उस इनएक्टमेंट का रीजन क्या है वो बता रहा है. तो इससे हमें उस किसी वर्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में बहुत हेल्प मिलती है. द प्रीएम्बल इज एन इंट्रिंसिक एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एम्बिगुअस एक्ट. किसी एम्बिगुअस एक्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में प्रीएम्बल जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. प्रीएम्बल का केस लगा है इन द काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट. द कोर्ट हेल्ड दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट. इन काशी प्रसाद वाले केस में कोर्ट ये कह रहे हैं कि प्रीएम्बल जो है वो एक चाबी की तरह काम करता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. थर्ड इंटरनल एड इज हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर. कोई भी स्टैट्यूट बहुत सारे चैप्टर्स में और हेडिंग्स में डिवाइड किया होता है. हेडिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन प्रीफिक्स टू अ सेक्शन एंड अदर प्रीफिक्स टू अ ग्रुप और सेट ऑफ सेक्शन. दो टाइप के हेडिंग्स होते हैं, पहला जो सेक्शन के पहले लिखा होता है और दूसरा जो ग्रुप ऑफ सेक्शन के ऊपर लिखा होता है. एग्जाम्पल के लिए देख लो आप चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी. जो ये चैप्टर है इसमें कुछ सेक्शन है, तो उसका हेडिंग क्या है, ऑफेंसेस रिलेट अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. तो ये हो गया हेडिंग प्रीफिक्स टू अ ग्रुप और सेट ऑफ सेक्शंस. कुछ सेक्शंस का सेट है चैप्टर 14 में, चैप्टर 16 में, जिसका हेडिंग है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. और एक और हेडिंग होता है जो सेक्शन के पहले होता है, जैसे सेक्शन 300 में क्या डिफाइन किया गया, क्या एक्सप्लेन किया गया, मर्डर एक्सप्लेन किया गया. तो सेक्शन 300 का हेडिंग क्या हो गया, मर्डर हो गया. तो ये हो गया हेडिंग. टू टाइप्स के हेडिंग समझ में आ गए, जो एक सेट ऑफ सेक्शंस के पहले होता है और कुछ वो हेडिंग जो सेक्शंस के पहले होता है. ये सेक्शंस जो है वो बहुत कम हेल्पफुल होते हैं. इन कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी इट वाज हेल्ड दैट ओनली इन द केस ऑफ एम्बिग्विटी और डाउट हेडिंग और सब हेडिंग मे बी रेफर्ड टू एज एन एड इन कंसीडरिंग प्रोविजंस. अगर किसी टाइप का डाउट या फिर अनएम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है तभी इन हेडिंग्स और सब हेडिंग के मीनिंग को हम रेफर करते हैं उस वर्ड उस स्टैट कोई भी मीनिंग जो स्टेटमेंट है उसके वर्ड मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए. इन दुर्गा ताथेरा वर्सेस नारायण ताथेरा द कोर्ट हेल्ड दैट द हेडिंग्स आर लाइक अ प्रीएम्बल व्हिच हेल्प अस अ की टू द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर बट डू नॉट कंट्रोल द सब्सटेंटिव सेक्शन ऑफ द इनएक्टमेंट. इन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो हेडिंग है वो वर्क करता है एज अ प्रीएम्बल. ये बेसिक तो बता दे रहा है बट इससे हम अंदर और डिटेल में उस इनएक्टमेंट के मीनिंग को नहीं समझ सकते. यानी कि ये हेडिंग जो है वो कुछ हद तक हेल्प करता है बट टोटली हम इस हेडिंग पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं. फोर्थ इज मार्जिनल नोट्स. मार्जिनल नोट्स आर द नोट्स व्हिच आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन एन एक्ट एंड एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन स्टेटेड. सेक्शंस के लास्ट में जो नोट कंटेन होता है दैट इज मार्जिनल नोट. If the words used in the statute are clear and unambiguous, the marginal note cannot control the meaning. अगर word statute के किसी word का meaning clear है तो फिर हमें marginal notes को refer करने की जरूरत ही नहीं है. But अगर किसी word को लेकर के confusion create हो रही, कोई doubt create हो रहा है, तभी marginal notes में जो explanation दी गई है उन्हें refer किया जाता है. Next is definitional section. हर statute में ये definition वाला part होता ही है.
So the object of a definition is to avoid the necessity of frequent repetition in describing the subject matter to which the word or expression defined is intended to apply. डेफिनेशन पार्ट हर स्टेट्यूट में देने का पर्पस ही यही होता है कि ये वर्ड उस स्टेट्यूट में जितनी बार यूज हो रहा है तो हर बार उसका मीनिंग अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए प्रिसाइजली एक सेक्शन वाला पार्ट बनाया जाता है, जनरली सभी स्टेट्यूट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन कंटेन होता है, जिसमें एक बार में प्रॉपर सभी वर्ड्स का क्लियर डेफिनेशन बता देता है कि इस वर्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है और इस वर्ड अगर मैं इस वर्ड को स्टेट्यूट में कहीं भी यूज कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या समझा जाना चाहिए। तो ये डेफिनेशन पार्ट में क्लियर ये बता दिया जाता है उस वर्ड को मीनिंग, किस इंटेंशन से उस वर्ड को उस स्टेट्यूट में यूज किया जा रहा है। डेफिनेशन कंटेंड इन अ डेफिनेशन क्लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट्यूट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दैट एक्ट। एक हर एक्ट में ये डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक्ट के डेफिनेशन को दूसरे एक्ट के डेफिनेशन में मर्ज करके पढ़ ले। हर एक्ट का तो अपना अलग अलग डेफिनेशन पार्ट है ही, उस एक्ट के का जो डेफिनेशन है वो मीनिंग जो है वो उसी एक्ट के पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। डेफिनेशन फ्रॉम एनी अदर स्टैट्यूट कैन नॉट बी बोरोड एंड यूज्ड इग्नोरिंग द डेफिनेशन कंटेंड इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ। स्टैट्यूट में जब ऑलरेडी उस वर्ड का डेफिनेशन दिया गया है तो हम उसी डेफिनेशन का को रेफर करेंगे ना, दूसरे स्टैट्यूट में उस वर्ड का जो डेफिनेशन दिया गया उसको क्यों रेफर करेंगे, है ना। तो उस स्टैट्यूट में जो डेफिनेशन दिया गया उसे ही रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस इज इन इनएक्टमेंट provided by the legislature are valuable aids in the understanding the real scope. Statute में illustrations भी दिए गए रहते हैं जो बहुत ही helpful होते हैं उस section को या उस article के meaning को, उसके scope को समझने में। ये एक बहुत ही important aid होता है, internal aid है for interpretation. In Mahesh Chandra Sharma versus Rajkumari Sharma, it was held that illustrations are part of the section and help to elucidate the principles of the section. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलस्ट्रेशन जो है वो सेक्शंस के बाद में लिखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है किसी सेक्शन के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में, क्योंकि इलस्ट्रेशन में क्या उसे एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो उसे हमें समझने में ईजी होते हैं और उसे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए इलस्ट्रेशन जो है वो किसी भी स्टैट्यूट के किसी भी सेक्शन को इंटरप्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ प्रोविजो। A proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. Proviso क्या है? ये किसी भी enactment के बाद में लिखा होता है, यानी कि basically ये जो है उसका exception बताता है कि section में जैसे suppose something is written, फिर बाद में proviso करके एक statement डाल दिया, यानी कि ये उसका जो section में लिखा है वो तो valid है, but it is applicable with some exception. So जनरली प्रोविजो को इंटरप्रिटेशन में ज्यादा रेफर नहीं किया जाता है। नाउ एक्सप्लेनेशन। एन एक्सप्लेनेशन इज एडेड टू अ सेक्शन टू इलैबोरेट अपॉन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अपीयरिंग इन द सेक्शन। सेक्शन के बाद में एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है, सेक्शन में जो भी वर्ड्स है उनके मीनिंग को elaborately explain करने के लिए। An explanation to a statutory provision has to be read with the main provision to which it is added as an explanation. जिस section के बाद में explanation लिखा, जिस statutory provision के साथ में ये explanation लिखा गया है, तो उस explanation को उसी statutory provision के relevant में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक section के explanation को हम दूसरे section के explanation के साथ merge करके पढ़ लें। हर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है और उन्हें सेपरेटली ही उस प्रोविजन के साथ ही रीड करना चाहिए। एन एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू अ सेक्शन और अ सबसेक्शन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट। एक एक्सप्लेनेशन जो किसी सेक्शन या सबसेक्शन के साथ एड है वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन का उस सेक्शन के अलावा अलग से अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन क्या उस सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा, तो अलग से उस एक्सप्लेनेशन का कोई एग्जिस्टेंस कोई वैल्यू है ही नहीं। और उस सेक्शन का वैल्यू कब है? जब वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा जाए। तो ये दोनों सेक्शन के साथ में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो दोनों को एक साथ ही पढ़ना और इंटरप्रेट करना चाहिए। पंक्चुएशन इज अ माइनर एलिमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट। पंक्चुएशन वैसे तो एक छोटा एलिमेंट होता है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए, बट
अगर पंक्चुएशन कॉमा फुल स्टॉप गलत जगह पे है या फिर हम उसे अवॉइड कर देते हैं तो भी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है. ओनली व्हेन अ स्टैट्यूट इज केयरफुली पंक्चुएटेड एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स मीनिंग कैन वेट बी गिवन टू पंक्चुएशन. अगर कोई स्टैट्यूट कोई भी एक्ट जो है वो केयरफुली पंक्चुएट किया गया है और उसके मीनिंग को लेकर के किसी तरह का डाउट नहीं है तो फिर पंक्चुएशन को अलग से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. इट कैनॉट हाउएवर बी रिगार्डेड एज अ कंट्रोलिंग एलिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ अ स्टैट्यूट. इसलिए पंक्चुएशन को बेसिकली उतना कंट्रोलिंग उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं माना गया है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. ये इंपॉर्टेंट तो है एज एन इंटरनल एड क्योंकि अगर पंक्चुएशन को हम अवॉइड कर देंगे तो भी हम उस स्टेटमेंट के एक्चुअल मीनिंग को नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे. सो पंक्चुएशन इज नेसेसरी बट टू सम एक्सटेंट और ये टोटली उस एलिमेंट को कंट्रोल नहीं करता है. अकेले हम सिर्फ पंक्चुएशन पर डिपेंड होकर अगर किसी चीज का इंटरप्रिटेशन निकाले तो दैट इज नॉट करेक्ट बट ये एज एन असिस्टेंस हम इसको इंटरनल एड के टाइप में उसे यूज कर सकते हैं. सो दीज वर द इंटरनल एड्स. अब हम आते हैं एक्सटर्नल एड्स पर. व्हेन इंटरनल एड्स आर नॉट एडिक्वेट कोर्ट हैज टू टेक रिकोर्स टू एक्सटर्नल एड. जब इंटरनल एड सफिशियंट नहीं होता है इंटरप्रिटेशन के लिए तब कोर्ट क्या करता है वो एक्सटर्नल एड्स की तरफ बढ़ता है. The external aids are very useful tools for the interpretation or construction of statutory provisions. External aids बहुत ही useful होते हैं किसी भी statutory provision को interpret या construct करने के लिए. External aids हैं क्या क्या? Parliamentary history, historical facts and surrounding circumstances. हम में घुमा फिरा के ना सारी चीजें एक ही एक point पे आके अटक रही है कि उस लेजिस्लेशन का इंटेंशन क्या है उसका पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है तो अगर इंटेंशन निकालना सबसे पहले हम कहां जाएंगे उसके हिस्ट्री पे जाएंगे. द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ दिस स्टैट्यूट दैट इज द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस इन विच इट वाज इनएक्टेड. सबसे जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी स्टैट्यूट के पर्पस को जानने के लिए वो एक्सटर्नल एड होता है और वो क्या है कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में उस एक्ट को बनाया गया था. तो अगर हम सर्कमस्टेंसेस पता करेंगे तो हमें उसका एक्ट का पर्पस भी पता चल जाएगा तो हमें इंटरप्रिटेशन में इजी होगा. इट शुड आल्सो बी टेकन इनटू नोट सो दैट इट कैन नॉट बी इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन वाज इंटेंडेड टू ऑल्टर द लॉ और लीव इट वेयर इट स्टूड. अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस स्टैट्यूट का मेन इंटेंशन क्या था, लॉ को क्रिएट करना, ऑल्टर करना या फिर जो सिचुएशन चल रही है उसको एज इट इज कंट्रोल करना. Statement of objective and reasons as to why the statute is being brought to enactment can also be a very helpful fact in research in the research for historical facts. जो objective है statute का और जो reason है statute का reason जो है statute के enactment का जो reason है वो हमें historical facts के research से ही पता चल सकता है. So historical facts जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री और जो भी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है सोसाइटी के वो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एड है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट. द सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस रेफर्ड टू डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट्स होते हैं हमने पढ़ा है ना वो बिल का प्रोसीजर पढ़ा है कि जब एक्ट कैसे बनता है बिल प्रपोज किया जाता है लोकसभा में फिर वहां से अप्रूव होने के बाद राज्यसभा में डिबेट होती है फिर वहां से अप्रूव होता है फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है. तो ये जो डिबेट्स हो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए तो इन सुप्रीम कोर्ट कई बार इन डिबेट्स को भी रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैट्यूट के प्रोविजन है उनके इंटरप्रिटेशन के लिए क्योंकि डिबेट से पता चलता है क्या उनका पर्पज ऑब्जेक्ट है क्या. In case of S.R. Chaudhary versus State of Punjab and others, it was stated that it is a settled position that debates in the Constituent Assembly may be relied upon as an aid to interpret a constitutional provision because it is a function of the court to find out the intention of the framers of the Constitution. Court ye keh raha hai ki jo court hai uska kaam hai us statute ka जो लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट है उनका इंटेंशन बताना जो फ्रेमर्स हैं उनके इंटेंशन को पता करना. तो इंटेंशन को पता करने के लिए जो डिबेट्स हेल्ड हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बहुत इंपॉर्टेंट
एक्सटर्नल एड के जैसा काम करता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है लेजिस्लेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए. सेकेंड एक्सटर्नल एड इज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस. A statute must be interpreted to include circumstances or situations which were unknown or did not exist at the time of enactment of the statute. किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है कि उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस को एक बार वेरीफाई करना कि स्टैट्यूट किन सर्कमस्टेंसेस में बनाया गया था और वो सर्कमस्टेंसेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं. एनी रिलेवेंट चेंजेस इन द सोशल कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी गिवन ड्यू वेटेज. क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी सोशल कंडीशंस जो है हमारी सोसाइटी का वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है. तो इंटरप्रिटेशन के लिए ये जरूरी है कि जो स्टैट्यूट का जो सोशल कंडीशन था उसे देखना और अभी का जो सोशल कंडीशन है उसे देखना. अभी के सोशल कंडीशन और जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, साथ ही साथ स्टैट्यूट के टाइम पे जो सोशल कंडीशन था उसे भी रेफर किया जाता है. इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वॉज स्टेटेड दैट स्टैट्यूट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटिंग्स इन व्हिच इट इज इंटेंडेड टू ऑपरेट. इस केस में ये कहा जा रहा है कि स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी है कि हम उस टाइम के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटिंग्स जो भी सिचुएशंस थी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उन्हें पहले रेफर करें. थर्ड एक्सटर्नल एड इज रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट. फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन courts can refer to or can take help of other statutes. It is also known as statutory aid. किसी एक statute के interpretation के लिए court दूसरे statute को भी refer कर सकता है. इसे कहते हैं statutory aid. It allows the use of an earlier statute to throw light on the meaning of a phrase used in a later statute in the same context. अगर दोनों ही statute same context में लिखे गए हैं तो कोर्ट जो है वो एक स्टैट्यूट के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरे स्टैट्यूट के कुछ प्रोविजंस को रेफर कर सकता है. एग्जांपल जनरल क्लॉजेस एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट, ये सारे स्टैट्यूटरी एड है. तो मेन स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए इन जो स्टैट्यूटरी एड वाले एक्ट है इन एक्ट का रेफरेंस लिया जाता है. तो दीज वर्क एज एन एक्सटर्नल एड फॉर इंटरप्रिटेशन. Dictionaries. When a word is not defined in the statute itself, it is permissible to refer to dictionaries to find out the general sense in which that word is understood in common parlance. वैसे तो statute में definition वाला part होता है, but उसके अलावा अगर कोई ऐसा word है statute में जिसके meaning के को लेकर के confusion create हो रही है, so dictionaries can be used to ascertain the meaning of that word. However, in the selection of one out of the various meanings of a word, regard must always be had to the scheme, context and legislative history. अब dictionary में एक word का एक meaning तो होता नहीं है, एक word के कई सारे meanings होते हैं, तो अब उन meanings में से किस meaning को choose करना है, उसके लिए हम legislative history, उनके object और purpose को एक बार refer करते हैं. So, dictionaries work as an external aid. Judicial decision, ये भी बहुत important external aid होता है. When judicial pronouncements are being taken as reference, it should be taken into note that the decision referred are Indian. अब condition इसमें ये है कि जो हम judicial decisions को refer कर रहे हैं, वो सारे Indian courts के ही हो. If they are foreign, it should be ensured that such a foreign country follows the same system of jurisprudence as ours and that these decisions have been taken in the ground of the same law as ours. अगर फॉरेन किसी डिसीजन को हम रेफर करना चाहते हैं तो इसके लिए ये प्रूफ करना होगा कि उस जिस फॉरेन कंट्री का डिसीजन हम ले रहे हैं उस कंट्री में भी ज्यूरिसप्रूडेंस और लॉ के सेम प्रोविजन सेम सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं. अदरवाइज इंडिया के जो भी ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उन्हें ही एज एन एक्सटर्नल एड यूज किया जाता है. अदर मटेरियल्स, इन फाइव एक्सटर्नल एड्स के अलावा कुछ और भी एक्सटर्नल एड्स हैं जिनको रेफर किया जाता है फॉर इंटरप्रिटेशन. इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट हर जगह है, आप भी पढ़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, सो इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे भी एज एन एक्सटर्नल एड कोर्ट जो है वो यूज करता है.
पैसेजेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम टेक्सटबुक के भी पैसेज और मटेरियल को कोर्ट यूज कर सकता है फॉर इंटरप्रिटेशन. आर्टिकल्स को, पेपर्स को, जो भी जर्नल्स पब्लिश होते हैं हो रहे हैं उनको, सो इनमें से कुछ भी, ये सब अदर मटेरियल्स में आते हैं. इन अदर मटेरियल्स को भी कोर्ट, अगर कोर्ट को ऐसी ज़रूरत समझ आती है कि मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो वो इन एक्सटर्नल एड्स की भी हेल्प ले सकता है. और ये सभी एक्सटर्नल एड की हेल्प जो है वो एडमिसिबल है. तो एक्सटर्नल जो अदर मटेरियल्स है ये सारे यूज कर सकते हैं. ये कौन से केस में कहा गया था? इन रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. नाउ कंक्लूजन क्या निकल रहा है? हमने पढ़ा दोनों इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड. दीज एड्स आर वेरी यूजफुल टूल नॉट ओनली फॉर द प्रॉपर एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन बट ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट. ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा जब हम रूल्स पढ़ रहे थे कि इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला काम है स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना. अगर हमें ऑब्जेक्ट, पर्पस, इंटेंशन पता चल जाएगा तो वर्ड्स को इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्ट करने में इजी होएगा. सो दीज एड्स जो हमने पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स, दीज एड्स आर वेरी यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन. इन द एब्सेंस ऑफ द एडमिसिबिलिटी ऑफ दीज एड्स समटाइम्स कोर्ट में नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू जस्टिस इन अ केस. अगर ये एड्स अवेलेबल नहीं है या कुछ ऐसे एड्स हैं जो एडमिसिबल नहीं है, तो अगर हम प्रॉपर इंटरप्रेट ही नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर जस्टिस कैसे दे पाएंगे? सो अगर इन एड्स को प्रॉपर यूज ना किया जाए, इनमें से या फिर कुछ एड्स इनमें से अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट कई बार कुछ केसेस में इनजस्टिस भी कर जाता है. सो द वीडियो एंड्स हियर. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.